क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाया है मिड डे मील के पैसों से। आज मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। आप हैरान मत होइए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेंडर हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना खेती करके गेहूं बेच के नहीं लाए, वो दिल्ली का टैक्स पेयर का 21 करोड़ रुपया अपने घर में क्या वो स्विमिंग पूल बनाएंगे? उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 21 करोड़ रुपया लग रहा है। और कौन सा पैसा लग रहा है? जो दिल्ली के गरीब बच्चों का मिड डे मील का पैसा था। दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे हैं क्योंकि उनको विज्ञापन करना है, उनको विज्ञापन की भूख है, झूठे विज्ञापन। उसके लिए 1000 ठेके दिल्ली में खोले गए हैं, मगर एमसीडी को पैसा नहीं देना, मिड डे मील का पैसा नहीं देना, अपने विज्ञापन की पूरी चिंता है, पूरा जुगाड़ कर रहे हैं। हैरानी होगी सदन को और देश को हैरानी होगी और देश आश्चर्यचकित होगा कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई मार्च 2021 में, तो उस मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खर्च किया विज्ञापन पर? 92 करोड़, एक दिन का 2.25 करोड़ रुपया। जब दिल्ली में डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रहे थे, नर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं वो ले नहीं रहे, हमारे गृह मंत्री जी अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के वेंटिलेटर पर अपना फोटो चिपका कर अखबार में फोटो दे रहे हैं। तब डॉक्टर और नर्स हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा सर हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, हमसे काम करवाया जा रहा है 24 घंटे, हमारे लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको पैसा दीजिए, तब उनको पैसा मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ बहुत, कर कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में उन्हीं की पार्टी की विधायक गीता रावत निगम पार्षद, अभी एक महीना पहले सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए, कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? उन्हीं का पार्टी का निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद कबूल किया है ताहिर हुसैन ने कि हां मैं दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड हूं, वो कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन दंगा कर रहा है? और सोचिए अगर ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली एमसीडी आ जाए क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा। पार्षद भी लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं, राज्यसभा की टिकट भी बिक रही है, जो उनके साथ लगे हुए थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। जब मालिक ही है तो निगम पार्षद क्यों नहीं करेंगे? कि 2 दिन पहले सबने सुना था कश्मीर हिंदुओं के ऊपर में, जब वहां की मां बहन बेटी पत्नी का बलात्कार हुआ, जिंदा औरतों को काटा गया, वहां पे युवाओं के सर पर गोली मार दी गई, सबको घर छोड़कर आना पड़ा, और दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में उनकी मौत पर उनके नरसंहार पर हंसता है, उसके ऊपर ठाके लगाता है और कहता है ये झूठ है, ये फिल्म झूठ है, ये कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार ये झूठ है। क्या एक मुख्यमंत्री आजाद इतिहास में इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ के बताता हूं, नील बटे सन्नाटा इज ए ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, वी हैव मेड इट टैक्स फ्री। और कौन सी मूवी उन्होंने टैक्स फ्री करी? सांड की आंख, नील बटे सन्नाटा। मगर जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती है, उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहे। वरना वो पहला शो पहला दिन का देखने वाला मुख्यमंत्री और अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और बहुत ही घिनौनी बात करी, उन्होंने विधानसभा में कहा
हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। क्या आजाद भारत के इतिहास में हिटलर को कोई अच्छा बताएगा? क्या प्रधानमंत्री पूरा देश के नहीं है और वो हिटलर अच्छा है प्रधानमंत्री से, ऐसा बोलेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर के पैरों में पड़े। पैरों में कौन पड़ा सबको मालूम है ना? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे नेताओं के ऊपर में पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोर्ट में केस किए, फिर लंबा पैरों में लेटकर उनसे रिटर्न में माफी मांगी। तो पैरों में पड़ना हमारी आदत नहीं है, पैरों में पड़ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की आदत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने बहुत स्कूल बनाए, सबने सुना होगा, हमने बहुत स्कूल बनाए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत फ्लाईओवर बनाए, सबने सुना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते बनाए, मैं कह रहा हूं बनाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हमने ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नहीं किया, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल, वो सारे कॉलेज अदृश्य, इनविजिबल, दिखते नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कभी दुनिया में? बताइए, कभी आएगी ऐसा? कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? जिसको हॉस्पिटल में दाखिला इलाज करवाने वो यूट्यूब पर जाए और इलाज करवा ले, जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए यूट्यूब पर जाए और एडमिशन करा ले, जिसको स्पोर्ट्स का दाखिला चाहिए स्टेडियम यूट्यूब पर डाले, स्टेडियम में जाए और दाखिल। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल दिल्ली की सरकार कर सकती है।